कि आपके सम्मान में ये सभी लोग यहाँ पर आ गए। स्पेशली कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मैं नाम लेकर उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पिछले 8 दिन से बाड़मेर में आज जो एयरफोर्स की स्क्वाडन नंबर 4 है, ये वही स्क्वाडन है जिसने 1971 की लड़ाई में ढाका के गवर्नर हाउस पर बॉम्ब गिराया और उसी से उस लड़ा गया है। ये कार्यक्रम हमारे ही शहर का है, इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए किसी तरह की कोई भी कमेटी नहीं। 3 से 17 दिसंबर के दौरान युद्ध से जूझ रहे जवानों के लिए 24 ऊंटों के काफिले पर राशन, पानी, गोला बारूद लेकर छाछा गांव अमरकोट पाकिस्तान तक सहायता सामग्री पहुंचाने के विशिष्ट कार्य के लिए भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने शौर्य चक्र प्रदान कर सम्मानित किया। राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान कर आपका मान सम्मान और बहुमान किया। आप स्वयं हाजिर हैं इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ कमरा सिंह जी भाटी का बहुत बहुत सम्मान के लिए। और ये ज्योति 7 दिन से व्यवस्थाओं के में अपना भरपूर भ्रमण किया। तब हमारे वीर जवानों ने सूझबूझ, कार्यकुशलता, अदम्य साहस, बल और पराक्रम का परिचय प्रदान करते हुए पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से परास्त किया। आत्मसमर्पण करने के लिए आपने विवश किया। आपके इसी अदम्य साहस के लिए आपका मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। आपकी गति टाइगर के पैरों से भी ज्यादा तीव्र गति से दौड़ने की चाह रखती है। आपका मान सम्मान और बहुमान। जम्मू कश्मीर के सियालकोट स्थान पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया निवासी नेवी। December 1971 को भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। आपका मान सम्मान और बहुमान करते हुए ये मंच गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लगातार ऊपर से बरस रही दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बगैर आपने चढ़ाई की, जहां प्राकृतिक प्रतिकूलता, अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम रास्ते का लाभ उठाकर दुश्मन द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी आपने देश की आन बान। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे ए आसमां। हम अभी से जय हिंद, जय हिंद। जैसे कि राजस्थान खान साहब, IFS कमांडेंट प्रदीप शर्मा साहब, कैप्टन हीर सिंह जी और रघुवीर सिंह जी ताम्लो, बहुत आभार। और अभी छोटे